आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो ये अपने अर्जुन भी है, मैं इनके घर पे आया था आज। आपको देखो इनका काइट कलेक्शन दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया इनका काइट कलेक्शन देखिए। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ इनके पास जो जो काइट कलेक्शन है, बहुत पुराने भी है नए भी है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हाँ देखिए ये ब्लैक पतंग है दोस्तों, ये वीडियो जो कि बहुत खास होने वाली है। इसके अंदर ऐसे ऐसे कलेक्शन है जो आपने शायद ही देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जितने भी काइट लवर्स हैं तो वो अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, निमेश पारिक जो कि चैनल है मेरा दूसरा, इसका लिंक जो कि है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिसके अंदर आपको काइट फाइटिंग और काइट कलेक्शन के और भी अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और प्यार दें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी ग्रुपों में जितने भी पतंगबाज दोस्त हैं। और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ बनाकर आप तक पहुँचा पाऊँ। बहुत ही बढ़िया पतंग है, किसकी है अर्जुन भैया? पतंग गुड्डू की पतंग है, ये अपने लखनऊ की पतंग है। देखिए क्या प्यारा फरमा है, बहुत ही प्यारा फरमा। अर्जुन भी एक फरमा निकाल के दिखाना इसका, देखिए क्या बेहतरीन फरमा है, ऐसे फरमे देखने को ही नहीं मिलते आजकल। उधारी पतंग किसकी पतंग है अर्जुन भी? कितने साल हो गए अर्जुन भी इस पतंग को? 25 से 30 साल हो गए लेकिन लगती नहीं है पतंग। ये क्या बेहतरीन पतंग है, बहुत ही बढ़िया फरमा। ये क्या प्यारी संभाल के रखी है अपने अर्जुन भैया ने, बहुत ही अच्छे काइट फाइटर है ये भी। देखिए रईस गुड्डू की पतंग ही है, इसको भी देखिए 20 से 22 साल हो गए हैं। बहुत ही प्यारी पतंग है, ग्लास पतंग, बहुत ही अच्छा फरमा भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा फरमा है। 2.5 से 3 हज़ार पतंगे हैं यहाँ अर्जुन भैया के पास अभी यहाँ पे। और भी पतंगे, बहुत सारी पतंगे अर्जुन भैया के पास, नाम ही पतंगबाज है अपने जयपुर के, अर्जुन सैनी नाम है इनका पूरा, अर्जुन मीणा नाम है सॉरी। ये कितना प्यारा पतंग है, ब्लैक पतंग, गोल फरमा पतंग है, रईस गुड्डू का पतंग है, बहुत ही प्यारा पतंग है। देखिए साठे भी है इसमें, देखिए ये जी साठे, दोनों तरफ साठे है, बहुत ही प्यारा पतंग है। दिखाना एक बार अर्जुन भैया इसका पूरा फरमा दिखा दीजिए। देखिए ये भी 25 साल के करीब हो गए हैं, ठीक है, क्या संभाल के रख रखी है अर्जुन भैया ने पतंग, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया देख के पतंगे। देखिए ग्लास पतंग देखिए, ये मोविन अख्तर की पतंग है अपने का, ये मिलती नहीं है आजकल जल्दी से। ये क्या बेहतरीन पतंग है, ये 60 धार पतंग है, ये दोनों तरफ 60 है इनकी। ये अर्जुन भैया इसको भी कम से कम 15-20 साल हो गए होंगे, नहीं 22 से 25 साल। ये देखिए 22 से 25 साल पुरानी पतंग है, देखिए क्या बेहतरीन पतंग है। देखिए बोतलदार पतंग, क्या बेहतरीन। ये भी रईस गुड्डू का है ना अर्जुन भैया? ये भी बहुत पुराना पतंग है। ये भी रईस गुड्डू आ गया वापस, बहुत ही बढ़िया 60 धार पतंगे है ये, कम से कम 20-25 साल पुरानी पतंग है, संभाल के रखना इतना इजी नहीं होता। ये 60 हैं, सारी पतंगों में 60 हैं दोनों तरफ। ये भी रईस गुड्डू की पतंग है, बहुत ही बढ़िया पतंग है, मुरादाबाद के हैं रईस गुड्डू ये अपने। देखिए क्या बेहतरीन काइट कलेक्शन है अर्जुन भैया के पास, कमान ठड्डे एकदम लाजवाब, क्या बेहतरीन पतंग है। नीली किसकी पतंग है अर्जुन भैया? देखिए राजा की पतंग है अपने मुरादाबाद की, क्या बेहतरीन पतंग है नाखूनदार, बहुत ही अच्छी पतंग है ये, बोल फरमा है। सम्राट की पतंग है ना ये अर्जुन भैया?
पत्ता है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पत्ता और पतंगे लाजवाब। लाई भी सड़ गई है पूरी। ये होता है फरमा, देखिए बहुत ही बेहतरीन पतंग फरमा, ये बहुत ही बेहतरीन, काम भी बहुत ही अच्छा रखा है। किसकी पतंग है अर्जुन भैया? ये लग रखी होगी मोर, देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए ये रही केके की पतंग है अपने, और तो लग रही है लेकिन दीप को आ जाएगी, लेकिन टाइम हो गया कम से कम 25 साल हो गए इस पतंग को, तो ये धुंधली पड़ गई है थोड़ी सी। गुड्डू की पतंग है ये क्या बेहतरीन पतंग बनाते हैं रईस गुड्डू, बहुत ही अच्छी। ये मुन्ना बरेली है उनकी पतंग है, ये मांगदार पतंग है, देखिए 10 साल हो गए हैं इस पतंग को। पतंग देखिए क्या बेहतरीन पतंग है, बहुत ही लाजवाब। किसकी पतंग है ये अर्जुन भैया? साहबजादे की पतंग है, बहुत ही बेहतरीन पतंग है, ये आजकल मिलती नहीं है ऐसी पतंगें। आप इसको आराम से लॉन्ग रेंज पे लड़ा सकते हो आराम से, 1500 1600 2000 मीटर पे, बहुत ही बढ़िया काम करेगी ये। क्या बेहतरीन कलेक्शन है अर्जुन भैया के पास, मज़ा ही आ गया देख के, दिल खुश हो गया है। गुठाई देखिए आप तो पतंग में, क्या गुठाई हो रखी है, बहुत ही बढ़िया गुठाई हो रखी है पतंग में। ये अपने शादाब की पतंग है बरेली के, शादाब का पतंग है। साठे देखिए पतंग में, बहुत ही बढ़िया पतंग भी और कमांड ठड्डे भी शानदार, जानदार पतंग है एकदम। शादाब आपका पतंग है, ये भी फरमा ये लगा गया है पूरा का पूरा, क्या फरमा है, बहुत ही अच्छा फरमा है। साठदार पतंग है, मिलती नहीं है आजकल साठदार पतंग है जल्दी से। ये भी कम से कम 15-20 साल पुरानी होगी अर्जुन भी, 25-26 साल पुरानी है। देखिए गुठाई भी बहुत ही बढ़िया गुठाई हो रखी है, पतंग देखिए आप तो, कारीगर का नाम देखिए, जयपुर के कारीगर है डीआर के, जो है नहीं अब, लेकिन पतंग है देखिए, क्या बेहतरीन पतंग है, बहुत ही अच्छी पतंग है, जर्मनी पेपर पे बनी हुई है, गुठाई और सिकाई विकाई पतंग में पूरी लाजवाब, और साठे भी पतंग में देखिए, साठे देखिए दोनों तरफ साठे है, ऐसी पतंग मिलती नहीं है आजकल जल्दी से। ये भी कम से कम 20-25 साल पुरानी पतंग है, 28-30 साल पुरानी पतंग है, देखिए रखना भी मतलब इम्पॉसिबल है, तो भी इन भैया के पास पड़ी है। देखिए अर्जुन भी आए हैं अपने, पतंग देखिए क्या डिज़ाइनदार पतंग है, बहुत ही बढ़िया पतंग है, साठे है दोनों तरफ, बहुत ही बढ़िया। बब्बू पेंटर की पतंग है अपने बरेली के, बहुत ही बढ़िया। आप ये देखिए एक और डिजाइनदार पतंग, ये भी अपने डीआरके का पतंग है, बहुत ही बढ़िया, जयपुर के नामी कारीगरों में से एक थे, बहुत ही बढ़िया। अब मिलती नहीं है इनकी पतंगें, देखिए फिर भी देखिए क्या कलेक्शन है इनका, साठे भी है पतंग देखिए ब्लू कलर में, बहुत ही अच्छी पतंग है। ये डॉक्टर साहब की पतंग है अपने, कहाँ के हैं सर भैया डॉक्टर साहब? लखनऊ के हैं। ये फरमा देखिए, बस सीधा कर लो भैया, सीधा ये फरमा देखिए पतंग, ऐसे फरमे मिलते नहीं हैं आजकल, आठदार पतंग है देखिए, देखिए क्या पुराना पतंग है, बहुत ही बढ़िया। डीआरके साहब का पतंग है अपने जयपुर के, पतंग देखिए अकबर की पतंग है, ये भी बहुत ही अच्छे पतंग है, बरेली के हैं अकबर, उनके पतंग है।
डिज़ाइन देखिए पतंग में, पत्ता कितना बढ़िया पत्ता है, पतंग भी कितनी शानदार है। ये कहाँ की पतंग है भैया? मथुरा की पतंग है। ये कहाँ की पतंग है भैया? मथुरा की पतंग है। अकबर भाई की पतंग है, बहुत ही अच्छी पतंग देखिए, जिसे परियल कहते हैं अपने यहाँ पे लोकल भाषा में। ये दो धारी पतंग है, बहुत ही बढ़िया। नीला पतंग देखिए, लाल पत्ता, देखिए नीला पतंग, राम जी का वाइट पत्ते में, राम जी का पतंग है ये भी। शॉर्ट हैं सारी पतंगों में। ये हुकुमचंद की पतंग है रुकी हुई, बहुत ही बेहतरीन रुकी हुई पतंग है। देखिए पतंगे लाई वाई सड़ गई है सब कुछ। ये भी कम से कम 25-26 साल हो गए होंगे इसको, ज़्यादा ही हो गए हैं इसको, 25-26 साल से भी 30 साल के आसपास हो गए। और एक ये देखिए मांगदार पतंग, क्या पतंग है, ताश के पेपर पे देखिए, ताश का कागज लगा हुआ। ये भी हुकुमचंद जी की पतंग है अपने। मेरठ की पतंग है ये। इकबाल भाई की पतंग है, इकबाल भाई की पतंग है, देखिए क्या डिजाइनदार पतंग है, बहुत ही बढ़िया। डीआर के आ गए हैं फिर से, ये शादाब के पतंग है, फरमाई देख लीजिए आप। ये पतंग देखिए आप, तो डिजाइनदार, 25-26-30 साल मान लीजिए आप, करीबन 30 साल है अर्जुन बेन की उम्र हो गई होगी, 3 साल 28-30 साल हो गई है। ये डीआर के साहब का पतंग है अपने जयपुर के, देखिए पतंग देखिए। परमा भी बहुत ही लाजवाब, सिकाई देख लीजिए आप तो, कमांड ठड्डो पे, ये सिकाई देखिए कमांड ठड्डो पे, ऐसी सिकाई मिलती नहीं है ना पतंग ना फरमे, कुछ नहीं मिलता आजकल। और पत्ता देखिए कितना चौड़ा पत्ता है, दादा आपकी पतंग है देखिए, क्या काम किया हुआ है पतंग पे, साठ धार पतंग है, घुटाई उठाई सब बहुत ही बेहतरीन। देखिए उठाई और गाठे भी हैं। ये पतंग देखिए, किसकी पतंग है, गुड्डू की पतंग है अपने, सलामत खा गुड्डू खा, रामपुर की पतंग है अपने। इसका फरमा देखिए, किस कागज पे अर्जुन भी है, ये जर्मनी कागज पे पतंग है। और देखिए कितनी पुरानी है इसके पत्तों, मांग लगी हुई है इसके, देखिए सड़ गई है पूरी। और देखिए काम देखिए पतंग पे आप, तो ये पतंग देखिए पीले पत्ते में, अफजल की पतंग है ये, क्या अच्छी पतंग है, रुकी हुई पतंग है ये सारी, ये भी देखिए पतंग, बेहतरीन पतंग है।
किसकी पतंग है ये? पता नहीं, लखनऊ की है। लखनऊ की ये पतंग, पर कारीगर का नाम याद नहीं है। पतंग देखिए, नाखूनदार, बहुत ही अच्छी पतंग देखिए आप। फरमा देखिए, गोल फरमा है पतंग, 60 है, दोनों तरफ 60 भी है। इसका फरमा भी बहुत बढ़िया है। और ये गुड्डू की पतंग है, ये वली रहमान साहब का पतंग। ये देखिए वली रहमान की पतंग, मिलती नहीं है आजकल जल्दी से। और देखिए ये पुरानी पतंग है, पतंग देखिए, रुकी हुई पतंग है ये। ये अपने बाबू खान जी की पतंग है। पतंग देखिए, गोल फरमा बेहतरीन पतंग है। अर्जुन भैया मज़ा आ गया देख के, दिल खुश कर दिया आपने हमारा भी और सब्सक्राइबर का भी। चाहने वाले आपको दुआ देंगे, सही कह रहा हूँ। बाबू खान जी की पतंग है ये भी, बहुत ही अच्छी पतंग है, रुकी हुई पतंग है सारी। एक बात ये है, संभाल के रखी हुई है भैया ने, दिल खुश हो गया है पूरा का पूरा देख के। स्टारदार पतंग ब्लैक कलर में, ये बाबू खान जी की पतंग है। जयपुर की पतंग है, किसकी है भैया पतंग? ये अनीश कुरेशी की पतंग है। नहीं ये पतंग, ये पत्ता देखिए कितना चौड़ा पत्ता है, लॉन्ग रेंज लायक पतंग है। शॉर्ट रेंज भी लड़ेगी लेकिन लॉन्ग रेंज पे बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करेगी। उठाई भी हो रखी है बहुत ही अच्छी। ये मांगदार पतंग देखिए, अकबर की पतंग है ये। ये रुकी हुई पतंग है, सारी रुकी हुई पतंग है ज़्यादातर। क्या काम कर रखा है, मज़ा आ गया देख के। बोल फरमा बहुत ही बढ़िया पतंग देखिए। अर्जुन जी कब लड़ाओगे इसको? देखो बताते नहीं है भैया। पतंग देखिए आप, तो देखिए ऐसे फरमे मिलते नहीं है आजकल। क्या रेंज क्या होगी भैया इसकी, उम्र क्या होगी पतंगों की? इसकी ज़्यादा नहीं, 15-16 साल। देखिए ज़्यादा नहीं बोल रहे भैया, वो 15-16 साल हो गई। लेकिन ये गोल फरमा बहुत ही अच्छी पतंग है देखिए, दिल खुश कर दिया भैया ने आज। आलम का गोल कार्ड देखिए, देखिए ये अर्जुन भी है। इन्होंने रख रखी है देखिए पतंग, देखिए मज़े आ गया देख के। देख रहे गुठाई भी कितनी अच्छी कर रखी है। ये भी आलम का पतंग है। पतंग देखिए, फैंसी पतंग देखिए, खलील की पतंग है ये, जयपुर की। कलेक्शन देखिए कितना अच्छा है। पतंग देखिए बस, और गुठाई देख लीजिए, मन भर जाएगा आपका। ये राजा की पतंग है, 25 साल पुरानी। राजा की पतंग है देखिए, 25-26 साल पुरानी पतंग है ये। इंदा पतंग देखिए, डीआर के साथ की पतंग है देखिए, फैंसी पतंग जिसे कहते हैं। अब देखिए क्या कलेक्शन है, ये फैंसी खलील की पतंग है ये अपने। पतंग देखिए, बटर पेपर की है पतंग भैया, पीली वाली नहीं। पतंग देखिए, बटर पेपर नहीं लग रहा था, पर अजंता पेपर की पतंग है, पुरानी हो गई इस वजह से लग रहा था ये। पतंग देखिए फैंसी खलील की पतंग है ये, बहुत ही अच्छी पतंग है, बेहतरीन पतंगें बनाते हैं अपने। कांटेक्ट कर सकते हैं आप इनका, मैं आपको देखो दिखा दे रहा हूँ पूरा।
नंबर होगा तो आप कांटेक्ट कर लेना। क्या पतंग है मजा आ गया देख के। ये किसकी है? ये बब्बू का एंट्री है। बैग वाली दिखा देना, आऊंगा ना मैं अभी। बेड में? अच्छा बेड नहीं, बैग लेके आओगे ना आप? हाँ। वो दिखा देना। अभी को जमाना मुश्किल है, निकल तो गई जमाने में। ये क्या पतंग है? निराले मियाँ की पतंग है, बहुत ही अच्छी पतंग है रुकी हुई।